अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है। आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट लेग कास्ट। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पोजीशन पे आ जाते हैं कि हम पानी लेंगे, इसमें नॉर्मल वाटर होता है और हम ये करेंगे फाइबर ग्लास। ठीक है जी, सॉफ्ट बिन होती है और तो सॉफ्ट बिन। फिर हम प्रेपरेशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेग पोजीशन है, पोजीशन हम इनकी बनाएंगे अबाउट 90 डिग्री, थोड़ा सा बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने को, रिलैक्स। मेक श्योर कि आपका पैर है वो फुल 90 डिग्री पे ही होना चाहिए, रिलैक्स इट गुड। फोर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है जी, हम आपकी कैश करेंगे और आपको पता है कि आपका पहले हमने जो किया हुआ है तो सर्जरी की थी, उसके बाद आपकी ये कैस्ट होना ज़रूरी है। हम आपके लिए शॉर्ट लेग बूट भी लगा सकते थे, नो स्पिरिट भी। अब आपने इसको लगा मेक श्योर के पोजीशन जो है वो 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री देन 90 डिग्री। थैंक यू। वेल पैडेड फ्रॉम द हील, जहाँ पे प्रेशर सोल होते हैं वहाँ पे आपको इसको पैडेड करना होता है ताकि वहाँ पे प्रेशर ना लगा जाए। आप इसको मूव करिए। थैंक यू जी। बगैर ग्लव्स तारे इसको आप हाथ नहीं लगा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हम इसको स्टार्ट करेंगे। Then squeezed, then applied from. Start from here. अब आपने जिसको देखना नहीं, इधर से अपने घुटने को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। Thank you. थ्री और फोर रोल करें इसको यहाँ पे।
जब इसको आप रोल कर रहे होते हैं, मेक श्योर कि स्नक टाइट हो, ना इतना टाइट हो ना इतना ढीला हो, ठीक है। और फिगर ऑफ एट पे जाएं तो वो सबसे बेटर होता है। मेक श्योर कि आपकी कास्ट में कोई रिंकल नहीं आ रहा। दिस वन इज कॉल्ड फिगर ऑफ एट। टाइम आपके पास नहीं होता कि आप इसका वेट करो, ये बड़ी जल्दी जल्दी हार्ड होता जाता है। रोल करते हुए मेक श्योर कि ये ज़्यादा टाइट ना हो। आपको टाइट नहीं लग रहा ना? जी जी इसको आप कह लेना। देखें एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए आर्च। दिस वन इज आर्च को पकड़े नीचे आपने हील के ऊपर। इसका जब हमारा एक्लिस टेंडन होता है उसको आप वेल मोल्डेड करेंगे ताकि कहीं पे भी इसको प्रेशर ना बने, ठीक है। ओनली हियर अबाउट अ फ्यू सेकेंड फ्यू मिनट व्हेन यू फील कि ये हार्ड होना स्टार्ट हो गया वेल। ऊपर से आपने जो हमारी टिबिया होती है, टिबियल प्लेटो होता है, वहाँ पे आपने इसको थोड़ी सी आर्च सी बनानी होती है ताकि अगर आप चलते हैं तो टिबिया हमारी थोड़ा सा आगे को मूव करती है तो यहाँ पे इसको इरिटेट ना करे, ठीक है। कैस्ट आप इधर आएंगे, आप इसके ऊपर थोड़ा कैसे ये ऐसे कर इस साइड से और प्रेशर नहीं देना, इधर प्रेशर ना है और बस यहाँ से बन। एक चीज आपने देखा होगा, मैंने इसकी टोज फ्री नहीं रखी। अभी आपको थोड़ा सा बताते हैं कि टोज हमने फ्री नहीं रखी है, वो क्यों नहीं रखी। मोस्टली जो डॉक्टर साहबान है वो और चीज़ लाइक करते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहबान जो है वो इस चीज़ को लाइक करते हैं कि टोज को हम नीचे से सपोर्ट दें, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गया। अब हम ऑर्थोपेडिक सीजर, स्पेशल ऑर्थोपेडिक सीजर काट सकती है, इसको आप लेंगे। ये देखिए जी, हमने टोज ऊपर से फ्री कर दी और हमने नीचे से इसको सपोर्ट दे दिया ताकि जो टोज है वो डाउन की तरफ ना जाए। लाइक दिस, नाउ मूव योर टोज लाइक दिस, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, बिल्कुल अभी ये रिलैक्स है, अभी हम इसका फुट बनाएंगे, ठीक है। अब आप लेट जाएं प्लीज। फुट बनाने के लिए हम फिर एक और लेंगे, इसके ऊपर नॉर्मली थ्री और फोर जो होती हैं वो आ जाती होती हैं,
फूड बनाने लगे हम, तो इसके लिए हमने अबाउट इसकी 4 लेयर्स बना लेंगे ताकि इसका जो डाउन साइड है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए। साइज इसका इतना बना लें फुट के बराबर, या जो भी एक कास्ट अप्लाई कर रहा होगा उसको पता होगा कि कितनी लेयर्स इसको चाहिए, तो वो फिर उसके मुताबिक बना लें। कैस्ट के दौरान आपने मेक श्योर करना होगा कि ड्यूरिंग कैस्ट कोई भी रिंकल ऐसा ना बने कि जो इस पेशेंट की स्किन के साथ लगे, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है, स्किन को इरिटेट करता है और स्किन को काट देता है, वहाँ से पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करता है उसमें। एंड पे जाके इसके ऊपर आप करीब बैंडेज लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी टाइप होती है, तो मैं मोस्टली क्या करता होता हूँ करीब बैंडेज लगा देता हूँ, या फिर आप लोग वैसलीन यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, फिर भी आपके कपड़ों के साथ भी नहीं लगते। चलिए थैंक यू सो मच। इसके बाद आपने एक प्रिकॉशन भी बतानी होती है पेशेंट को कि आपने इसके अंदर ख़ारिश नहीं करनी, अगर आपको इसके अंदर ख़ारिश हो तो आप इसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट नहीं करेंगे, जस्ट ऊपर टैप कर सकते हैं, ठीक है। इसको पानी से अवॉइड करना होता है, नहाते हुए शावर लेते हुए आप जब भी शावर लें बिल्कुल ज़रूर लें, इसको शॉपिंग बैग से इसको कवर करें, ऐसे स्टूल के ऊपर बैठ के इसको ऊपर सामने रखें और फिर इस पानी ऊपर करें ताकि पानी यहाँ से नीचे चले। इन केस अंदर पानी थोड़ा बहुत चला जाता है, हेयर ड्रायर लेके इसके अंदर से इसको ड्राई कर लें, अगर बहुत ज़्यादा चला जाए इमीडिएट अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें और इसको रिमूव करके दोबारा कैस्ट अप्लाई करें। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।